हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे 12th अक्टूबर 2020, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेसन 11, आर्टिकल्स। लेट्स रिपीट। आर्टिकल ए, एन, दी आर द थ्री आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं? तीन हैं, ए, एन, दी। इनके टू टाइप्स हो गए आर्टिकल्स के, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में दो आएंगे, ए, एन, और डेफिनेट में रहेगा दी। डेफिनेट में क्या रहेगा? दी। यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन एंड दी। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स विच बिगेन विद कॉन्सोनेंट। मीन्स सिंगुलर नाउन जो कि एक वचन है और जो कि काउंटेबल है, जिनको हम गिन सकते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उनके सामने हम क्या लिखें भरेंगे? ए। कॉन्सोनेंट मीन्स देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच वोवल हैं, इनको छोड़कर बाकी जो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में वो है कॉन्सोनेंट। ओके, ही इज ए टीचर। टी कॉन्सोनेंट है तो ए टीचर। आई साय बियर इन द जू। बी कॉन्सोनेंट है, ए भर दिया। ओके, इसके अलावा हम जिस वर्ड से पहले हमने आर्टिकल भरना है उसको हम हिंदी में बोल के देखेंगे, ठीक है। अगर स्वर की ध्वनि आती है तो एन भरेंगे, और व्यंजन की आती है तो ए भरेंगे। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, क्योंकि कभी कभी वोवल्स हमारे पास पांच होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनके सामने हमने भरना है एन। लेकिन कभी कभार ये रूल है ना, जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, जहाँ ये काम नहीं करता है, एन नहीं आता है, कई बार उनके सामने भी ए ही भरा जाता है। तो हमने क्या करना है, उसको जिस वर्ड से पहले आर्टिकल भरना है उस वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में बोलने के बाद देखेंगे, स्वर की ध्वनि आती है तो एन भरेंगे, और व्यंजन की ध्वनि आती है तो ए भरेंगे। आर्टिकल एन। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, सेम है, बिगिनिंग विद वोवल्स। तो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वोवल से। ए में किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट। और बी में, सॉरी, एन में वोवल से। बाकी देखो, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक, दोनों का मीन्स सेम है, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन। सी इज एन एक्ट्रेस। देखिए, ए किससे स्टार्ट हो रहा है? ए वोवल है तो एक्ट्रेस, वैसे भी इसको बोलेंगे तो एक की आवाज़ आ रही है, ए स्वर है, इसलिए एन। आई सा ब्लैंक एलिफेंट। एलिफेंट ए ली, एक ए की आवाज़ आ रही है, ए स्वर है, इसलिए एन। ओके, ही विल गो टू द मार्केट आफ्टर आवर। देखिए, एच ओ यू आर, अब एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए? ए। भाई एच कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, इसलिए यहाँ आना चाहिए ए। लेकिन इसको हम हिंदी में बोल लेंगे तो आवर, क्या बोलेंगे? आवर। तो ए की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, आ, आ क्या है? स्वर है, इसलिए क्या भरा जाएगा यहाँ पर? एन। क्या भरेंगे? एन। ओके, आर्टिकल दी। दी इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू रेफर ए पार्टिकुलर वन, किसी विशेष। देखिए, दी इज यूज्ड, दी का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर ए नाउन, एक संज्ञा से पहले, टू प्रेफर, टू रेफर, जो कि संकेत करते टू ए पार्टिकुलर वन, किसी विशेष के बारे में। इट इज़ द सेम फॉर ऑल द जेंडर, सभी के लिए, सभी जेंडर में सेम होगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल फॉर्म में। ओके, मीन्स कि एक नाउन से पहले दी का इस्तेमाल करेंगे अगर वो किसी विशेष चीज़ के बारे में बता रहा है तो, या संकेत कर रहा है तो। एग्जाम्पल देखिए, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूरज हमें हीट एंड लाइट, रोशनी और गर्मी देता है, लाइट रोशनी, हीट गर्मी। तो वैसे भी सन है, फिक्स है, स्थिर निश्चित है, तो इसके सामने क्या आएगा? दी। और द मून शाइंस ब्राइटली इन द नाइट स्काई, मून है, सन है, अर्थ है, इन सबके सामने क्या आता है? नाम के सामने क्या आता है? दी। स्टार्स के सामने भी दी। दी इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स व्हेन वी वांट टू पार्टिकुलराइज इट, जब हम कॉमन नाउन्स, जब हम उनके बारे में कोई विशेष बात बताते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम? दी का। द वुमेन स्टैंडिंग नियर द डोर इज माई मदर, कि औरत जो कि दरवाजे के पास पड़ी हो क्या है? मेरी माता जी है, तो दी। दी इज यूज्ड विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के नाम हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं? दी का। आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, तो न्यूज़पेपर का नाम हो गया। दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वतों की चोटियाँ, उनके सामने दी का इस्तेमाल करेंगे, द हिमालयाज, ओके, द माउंट एवरेस्ट। दी इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस, नदियों के नाम के सामने और ओशियंस, सागरों के नाम के सामने किसका इस्तेमाल करेंगे? दी का। द नील, नदी का नाम हो गया। ओके, दी इज यूज्ड विद द नेम ऑफ स्कैर्ड बुक्स, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, गीता, बाइबल, कुरान, उनके सामने दी का इस्तेमाल करेंगे, रामायण, महाभारत। ओके, दी इज यूज्ड विद द नेम ऑफ द नेशनलिटीज, द चाइनीज, जैसे कि चाइनीज, चीन के लोग, द इंडियंस, इस तरह से जो राष्ट्र के प्रतीक को दर्शाते हैं उनके लिए। दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, दी को निश्चित आर्टिकल कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड विद सम पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कुछ विशेष जो चीज़ें उनके सामने इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई। दिस इज द ड्रेस आई बोट यस्टरडे, मीन्स देखिए कि
दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, इसको निश्चित आर्टिकल कहते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज्ड विद सम पार्टिकुलर सब्जेक्ट, विशेषकर्ता के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि ये विशेषकर्ता हो गया, ड्रेस जो है मैंने कल खरीदी थी, तो दी का इस्तेमाल हो गया। ओके, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, पुट ए टिक ऑन द करेक्ट आर्टिकल। एग, एग की आवाज़ आ रही है, एग ये क्या है, स्वर, और वैसे भी ई वोवल है तो एन एग। आंसर एन। यूजलेस, देखो अब वोवल के अकॉर्डिंग ए ई आई ओ यू, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, यू, वोवल यू आ रहा है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, एन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो, जो अपवाद है मैंने बताया था आपको, तो उसको हम हिंदी में लिखेंगे यूजलेस। किसकी आवाज़ आ रही है, यक की, तो ये क्या है, व्यंजन, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, ए, ए यूजलेस थिंग। एन ओल्ड मैन, ओ एन। इंटरेस्टिंग ई, एन इंटरेस्टिंग। एम्प्टी, एन एम्प्टी। यूनिवर्सिटी, सेम रूल ए ई आई ओ यू, वोवल है, अब ये वोवल से स्टार्ट हो रहा था, एन भरना है, लेकिन नहीं, हम इसको बोल रहे तो यूनिवर्सिटी, ये की आवाज़ आ रही है, ये क्या है, व्यंजन, सो ए, ए यूनिवर्सिटी। ए करेक्ट आंसर यूरोपियन, देखो इससे शुरू हो रहा है, ए ई, ई से शुरू हो रहा है, तो वोवल है तो एन आना चाहिए, लेकिन इसको हिंदी में बोले तो इसको ई साइलेंट रहे, क्या आएगा, यूरोपियन, ये की आवाज़ आ रही है, तो भी ए, ए यूरोपियन। ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, एच, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यह क्या आना चाहिए, ए, लेकिन हम इसको हिंदी में बोले तो एच साइलेंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, तो ओ की आवाज़ आ रही है, ओ क्या है, स्वर है, तो एन ऑनेस्ट। सॉन्ग, ए सॉन्ग। एन इजी सम, एन आर्मी, एन ईगल, ए रूम, ए डोर, एन इंडियन सोल्जर, ए फनी स्टोरी, ए हॉलीडे, एन एक्सपेंसिव बैग। सो स्टूडेंट्स, फिल इन योर बुक। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दी। डू यू वांट टू ईट ऑरेंज, ओ क्या आ जा रही है, तो एन, और ए बनाना बैग क्या आ जा रही है, व्यंजन की, तो बी, ए। डू यू वांट टू ईट एन ऑरेंज, और ए बनाना। द डॉक्टर रश्ड टू द हॉस्पिटल बिकॉज देयर वॉज ब्लैंक इमरजेंसी, देयर वॉज एन इमरजेंसी, ई क्या आ जा रही है, व्यंजन स्वर है, तो इसलिए एन, एन इमरजेंसी। टुडे आई एट, आज मैंने खाया आइसक्रीम, आइस से शुरू हो रहा है वोवल से, तो क्या आ जाएगा, वोवल से शुरू हो रहा है, तो एन आइसक्रीम। एंड ए पैक ऑफ, पैकेट ऑफ चिप्स। आई हैव ब्लैंक एक्साइटिंग प्लान फॉर दिस वीक एंड, इस सप्ताह के अंत के लिए मेरे पास एक प्लान है, तो उत्तेजक, एक्साइटिंग, ई क्या आवाज़ आ रही है, एन। माई फादर एंड माई फादर हैड इम्पोर्टेंट, आई से शुरू हो रहा है वोवल, हिंदी में बोले तो ई स्वर है, तो एन इम्पोर्टेंट मीटिंग इन द ऑफिस टूडे। He is blank excellent teacher. He is an excellent teacher. Blank man who wrote this book is a very famous writer. देखिए, the man who wrote this book is a very famous writer. यहाँ पर देखिए, man, आदमी, who wrote, जिसने लिखा this book, इस किताब को, जो very famous, इसके तरफ refer किया जा रहा है, इस noun की तरफ, वह आदमी जिसने किताब को लिखा वो बहुत ही famous है, प्रसिद्ध है, तो the man who wrote this book is a very famous writer. My brother is a doctor. The sun, क्योंकि sun, moon, earth, इनके सामने क्या आता है, दी, the sun rises in the east. It is a university. Students, fill in your book with help of video. And at fun task, draw a picture of an object in the given space and describe in 5 lines using articles. Means आपको एक picture यहाँ पर बनानी है और articles का use करते हैं, उसके बारे में 5 lines write करनी है. Okay, students, thank you.